आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है, साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की SLP पर सुनवाई की। आपको बता दें कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर कोर्ट ने जनमत संग्रह कराने की बात कही थी, क्योंकि हल्द्वानी के गोलापार में सैकड़ों पेड़ों को काटकर हाईकोर्ट बनाने पर कोर्ट राजी नहीं था। साथ ही कोर्ट ने एक बेंच को ऋषिकेश में स्थापित करने की बात भी कही थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को पूरी प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी करते हुए 7 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में अखबार में विज्ञापन दिया गया था और लोगों से राय मांगी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।